नमस्कार, बीए द्वितीय वर्ष इकोनॉमिक्स भुगतान संतुलन। आज हमारा टॉपिक है विकासशील देशों में भुगतान शेष में असंतुलन की समस्या। भुगतान शेष विकासशील देशों में भुगतान शेष असंतुलन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, भुगतान शेष क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भुगतान शेष किसे कहते हैं, भुगतान शेष और व्यापार शेष में क्या अंतर है, भुगतान शेष में असंतुलन के क्या कारण है, भुगतान शेष असंतुलन को दूर करने के मौद्रिक उपाय और गैर मौद्रिक उपाय। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भुगतान शेष और विकासशील देश। विकासशील देश, हम जानते हैं कि विकासशील देशों में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, उनके पास पूंजी का अभाव है, पूंजी के अभाव के कारण वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक दोहन नहीं कर पाते हैं, इस कारण से उनके यहाँ उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होने के कारण आयात पर निर्भरता अधिक होती है, उनका निर्यात कम होता है, इस कारण से भुगतान शेष में असंतुलन बना रहता है। भुगतान शेष किसी देश का एक निश्चित समयावधि में अन्य देशों के साथ मौद्रिक लेन देन, जिसमें दृश्य मदें अदृश्य मदें शामिल होती हैं। तो भुगतान शेष विकासशील देशों में असंतुलन के क्या कारण है, उसका कारण है पहला कि यहां पर प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। विकासशील देशों में प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। प्राथमिक वस्तुएं वे वस्तुएं जैसे कच्चा माल। अब चूंकि इनके पास, विकासशील देशों के पास पूंजी का अभाव है, पूंजी की कमी के कारण से ये अपने कच्चा माल को फिनिश गुड में बदलने में नाकाम रहते हैं, असफल रहते हैं, इस कारण से इनका जो उत्पादन है वो कम होता है, तो यहां से विकासशील देशों से कच्चा माल निर्यात होता है और बाद में वही निर्मित गुड्स जो है फिनिश गुड बन करके वापस आता है, तो जाता सस्ता है, कच्चा माल सस्ता चला जाता है और वापस जब आता है आयात के रूप में तो वो अंतर वो महंगा होता है। तो ये जो अंतर होता है ये भी भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न करता है। दूसरा कारण क्या है कि प्राथमिक ये जो वस्तुएं होती हैं इनके कीमतों में उच्चावचन होता है, फ्लैक्चुएशन, प्राइस में फ्लैक्चुएशन बहुत अधिक होता है। उसका कारण क्या है कि जब जो कच्चा माल है जब मौसम आता है उस समय उत्पादन अधिक होता, उस समय ज्यादा पूर्ति हो जाती है तो बाजार में प्राथमिक वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं। इसका भी भुगतान शेष असंतुलन पर प्रभाव पड़ता है, भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न करता है, क्योंकि कीमतें जो है उसका निर्यात मूल्य कम हो जाते हैं और फिनिश गुड चूंकि वो महंगे होते ही है, तो इस कारण से ये अंतर जो होता है फ्लैक्चुएशन, ये कीमतों में जो फ्लैक्चुएशन होता है ये भी भुगतान शेष में असंतुलन को उत्पन्न करता है। तीसरा एक कारण है कि निर्यात में विविधता की कमी होती है। विकासशील देशों में चूंकि उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होने के कारण उनके निर्यात में विविधता नहीं होती है, उनका प्रायः जो निर्यात होता है वो प्राथमिक वस्तुओं का ही होता है और प्राथमिक वस्तुओं के साथ समस्या ये है कि इनकी कीमतों में उच्चावचन बहुत अधिक होता है, फ्लैक्चुएशन जो है बहुत अधिक होता है। निर्यात में विविधता की कमी भी भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न करती है। एक और कारण है कि विनियोग आकर्षण में कमी होती है। अब विकासशील देशों के पास फिर वही समस्या कि एक देश गरीब क्यों है, क्योंकि वो गरीब है, उसके पास पूंजी का अभाव है। विकासशील देशों में पूंजी की कमी होती है और पूंजी की कमी के कारण इनका आधारभूत संरचना जो है वो कमजोर होती है, वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा योग्य नहीं होती है या निवेश को आकर्षित करने में अक्षम होती है। विकासशील देशों में शांति सुरक्षा की व्यवस्था भी, लाइन ऑर्डर भी कमजोर होता है, इस कारण से भी
विनियोग निवेश जो है वो आकर्षित नहीं होता है, विनियोग आकर्षण ना होने के कारण, विनियोग ना हो पाने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक दोहन नहीं हो पाता है, इनका उत्पादन कम रहता है और पूंजी का प्रवाह जो है ना आने के कारण से भी इनका भुगतान शेष जो है वो असंतुलन में रहता है। दूसरा है कि विदेशी बाजार में कमजोर प्रतियोगी होते हैं, विकासशील देश का जो उत्पादन है, जो यहाँ की वस्तुएं हैं उनकी गुणवत्ता वैश्विक स्तर की नहीं होती है। दूसरा कारण यह है कि इनकी कीमतें वैश्विक प्रतियोगी कीमतों से अधिक होती हैं। एक तो गुणवत्ता में वैश्विक प्रतियोगिता में आप पीछे हैं विकासशील देश उनकी वस्तुएं, और दूसरा कीमतें भी प्रतियोगी नहीं है। ये दोनों जो फैक्टर है ये क्या करते हैं कि विदेशी बाजार में विकासशील देशों को कमजोर कर देते हैं, उनको प्रतियोगिता में पीछे कर देते हैं, उनका निर्यात कम हो जाता है, उनकी वस्तुओं में आकर्षण कम होता है, उनकी मांग कम हो जाती है। मांग कम हो जाने के कारण से जो विकासशील देशों की वस्तुएं हैं वो विदेशी बाजार की प्रतियोगिता से पिछड़ जाती है। ये सभी कारण, वो चाहे प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात हो, प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में उच्चावचन हो, निर्यात में विविधता की कमी हो, विनियोग आकर्षण में कमी हो और विदेशी बाजार में कमजोर प्रतियोगी, ये सभी कारण विकासशील देशों के भुगतान शेष में असंतुलन को पैदा करते हैं। अब इसको दूर कैसे किया जाए, इसको दूर करने के निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। कौन कौन सा? निर्यात में विविधता लाई जाए। पहला क्या है कि जब निर्यात में विविधता होगी, कई प्रकार की वस्तुओं का जब निर्यात होगा तो जो कीमतों में उच्चावचन होता है उसके प्रभाव को हम शून्य कर लेंगे। तो पहला का सुझाव यही है कि निर्यात में विविधता लाई जाए। दूसरा क्या है कि विनियोग को आकर्षित किया जाए, किसी भी प्रकार से आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाए और देश में शांति सुरक्षा का वातावरण पैदा किया जाए, इससे ही विदेशी पूंजी आकर्षित होती है। तो वो सभी उपाय जिनके द्वारा हम विदेशी पूंजी को आकर्षित कर सकते हैं, उन सभी उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि भुगतान शेष के जो असंतुलन उत्पन्न हो रहे हैं उसको दूर किया जा सके। तो विनियोग को आकर्षित किया जाए, निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जाए, निर्यातों को बढ़ाना, चूंकि भुगतान शेष में असंतुलन का ही जो निर्यात और आयात में अंतर, विदेशी व्यापार घाटा, ये जो भुगतान शेष के असंतुलन को जन्म देता दृश्य मदों के संदर्भ में, तो निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, हर संभव उपाय किए जाने चाहिए ताकि देश के निर्यात को बढ़ावा मिल सके। निर्यातकों को कई प्रकार की जो कर है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर हो, उन करों में छूट देनी चाहिए। निर्यातकों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, निर्यातकों को उत्पादन के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराना चाहिए और समय से कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में कम कीमतों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये सभी जब निर्यातकों को सुविधाएं निर्यातकों को दी जाएगी तो निश्चित रूप से निर्यात प्रोत्साहित होगा, विदेशी बाजार में जो देश के निर्यातक हैं उनको विदेशी बाजार खोजने में सहयोग करना चाहिए ताकि उनकी वस्तुओं की मांग बढ़ सके, देश का निर्यात बढ़ सके, भुगतान शेष की प्रतिकूलता को दूर किया जा सके। अगला है कि उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाए। अब चूंकि जब विकासशील देशों के साथ समस्या यही है कि आयात पर निर्भरता अधिक है, देश में पूंजी का अभाव है, पूंजी के अभाव के कारण से वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं कर पाते हैं, उत्पादन कम है, जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक होने के कारण से मांग अधिक है। अब चूंकि देश में वस्तुओं का उत्पादन कम है, इस कारण से इस मांग को पूर्ति करने के लिए आयात की जाती है, इससे भी भुगतान शेष में प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाती है। तो उत्पादन वृद्धि को हर हाल में प्रोत्साहित किया जाए ताकि देश में आयात कम हो, और दूसरा उत्पादन जब अधिक होगा तो हमारा निर्यात भी बढ़ेगा, तो दोनों स्थितियों में देश को लाभ मिलेगा, आयात घटेगा निर्यात बढ़ेगा। अगला क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाने का
प्रयास किया जाना चाहिए। विकासशील देशों की एक समस्या जनसंख्या उच्च वृद्धि दर है। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर विकासशील देशों की एक समस्या है। इस समस्या से आयात में वृद्धि होती है, उपभोग जो होता है वो स्व उपभोग बहुत अधिक हो जाता है, तो हमारे पास निर्यात के लिए वस्तु की कम मात्रा बचती है, भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाने का प्रयास, हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। अगला है कि पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाए। देश में जितनी भी प्राचीन धरोहरें हैं, स्मारक हैं, इमारतें हैं, उनको और आकर्षित बना करके विदेशों में उसका खूब प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि विदेशी पर्यटक हमारे देश में आए। मेडिकल की सुविधाएं इस प्रकार से, भारतीय चिकित्सा पद्धति को इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि दो विदेशों से लोग हमारे देश में इलाज कराने के लिए आए। तो इस हर संभव प्रयास ये किया जाना चाहिए कि पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के स्तर को ऊंचा करना चाहिए, ताकि विदेशी छात्र हमारे देश में पढ़ने के लिए आए। इससे भी विदेशी पूंजी देश में आएगी, भुगतान शेष की जो असंतुलन है उसमें दूर करने में सहयोग मिलेगा। तो हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि हर प्रकार का जो भी पर्यटन है वो प्रोत्साहित हो सके। तो ये सभी उपाय हैं जो भुगतान शेष के जो असंतुलन उत्पन्न हो रहा है उसको दूर करने के ये सभी सुझाव हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है। कई बार पूछा जाता है कि विकासशील देशों में भुगतान शेष के असंतुलन की समस्या के क्या कारण हैं, और उन कारणों को दूर करने का सुझाव दीजिए। धन्यवाद।